स्ट्रीट इन द सेंटर ऑफ हनोई एंड वेरी बिग लोकल एरिया है, तो आप लोग बाहर बैठ के अपना वीकेंड भी नहीं है इस फिर बाहर लोग ब्रेकफास्ट। सो होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे स्कूटर्स और बाइक्स चलती है, वो लेकर शायद अगर हो सके तो मैं 6 hours के अंदर हनोई ट्रैवल करती हूँ और शो करती हूँ कैसा है हनोई। सो लेट्स स्ट्रीट्स में सिर्फ मोटर बाइक स्कूटी यही है वियतनाम में। वाह, यहाँ पे कार्स कम है और बाइक और ये सब ज़्यादा, इवन यहाँ पे तो बाइक टैक्सी भी चलती है। सो आई लव हनोई, ये लेक है और यहाँ पे मॉर्निंग में लेडी डांस कर रहे हैं, आंटीज लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है और रनिंग एंड ये मेन रोड है। तो फाइनली आई गॉट अ बाइक टैक्सी और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है और मैं जा रही हूँ यहाँ से 2 kilometers दूर है मेरे होटल से, मतलब लेक के पास ही मेरा होटल है और लेक से ही 2 kilometers दूर वो मार्केट है जो बहुत फेमस मार्केट है स्पेशली गर्ल्स के, आई थिंक बॉयज़ के लिए भी। सो वो वहाँ जाके पता चलेगा। और स्ट्रीट्स पूरी क्राउडेड है, कार्स से ज़्यादा यहाँ पे और बाइक्स और स्कूटीज चलती है। सो मार्केट देखिए, आयरिश गोंगजोंग मार्केट विच इज़ वेरी फेमस और यहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें ज़्यादा हैं, टी शर्ट्स हैं, बॉयज़ के लिए भी हैं। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, ये मार्केट सिर्फ जस्ट ओपन हुआ है बट सच में बहुत बड़ी मार्केट है। ये अभी मॉर्निंग में शॉप लगी है। सो ये मार्केट जो है शायद थोक की मार्केट है, इसमें काफ़ी स्टॉल्स हैं यहाँ पे बच्चों के बड़ों के, इतना क्राउडेड नहीं है जैसे मैंने सोचा था कि बहुत क्राउड होगा, शायद इसलिए कि मॉर्निंग में आए इस वजह से, बट अच्छा है 2 kilometers के अंदर है तो फिर आई थिंक जब भी आए तो बाइक या टैक्सी या कुछ लेकर आए बिकॉज बाय वॉकिंग बहुत मुश्किल है, नॉट मुश्किल बट टाइम लगेगा। मैं आ चुकी हूँ हरिद्वार हर की पौड़ी टाइप में, यहाँ पे बहुत सारी मालाज है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हरिद्वार में जो बाहर स्टॉल्स में या वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है हर चीज़, बट यहाँ पे पैसों का नेगोशिएशन करना बहुत मुश्किल है बिकॉज आपको इनकी लैंग्वेज नहीं आती है और यहाँ ही कोई प्राइस मेंशन नहीं होता है। सो प्लीज़ जब आएँ तो हो सके तो वियतनामी फ्रेंड या कोई हो बिकॉज बहुत मुश्किल है यहाँ पे नेगोशिएट करना, बट जिन्हें नेगोशिएशन करना आता है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। I bought this one, मैंने ये लिया और एक साल इसका ये मैगनेट लिया तो मुझे इन्होंने बोला 50,000 डोंग का, बट वो मैंने सस्ता करा के 40,000 डोंग में किया है, इट मीन्स इंडिया के कुछ 80-100 रुपीज़ हुए शायद। दिस इज़ अ टेम्पल, ये बिल्कुल लेक के सेंटर में है, आई लव हनोई उस तरफ था और यहाँ से बाई वॉक आप यहाँ आ सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एक टेम्पल है आप देख सकते हैं और शायद बहुत पुराना टेम्पल है ये लेक में जो था। तो ये मेन रोड बिल्कुल कंटिन्यू सीधी चल रही है और ये पूरी लेक के आसपास ही सब कुछ है, ये कॉफ़ी शॉप्स हैं लोकल एरिया है, तो आप लोग बाहर बैठ के अपना वीकेंड भी नहीं है इसके बाहर लोग बैठ के अपना खा पी रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है मतलब बहुत हैपनिंग प्लेस है। वीकेंड्स वीकेंड सेम है तो बट वीकेंड्स में इतना तो वीकेंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होगा। सो दिस इज़ अ फेमस चर्च सेंट जोसेफ कैथेड्रल शो हनोई कैपिटल में है और बहुत ही अच्छा बहुत ब्यूटीफुल है, इसके सामने रिक्शास भी हैं। सो काफ़ी लोग रिक्शा में ये हनोई का मार्केट घूम के ये कैथेड्रल चर्च में आते हैं। सो लेट्स टेक पिक्चर्स। रेस्टोरेंट्स भी हैं बट यहाँ पे गलियों में ही ऐसे
छोटे छोटे स्टॉल्स में ही अपना ब्रेकफास्ट या लंच करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि रोड में ही छोटी छोटी शॉप्स में ही एक चाय टाइप्स कुछ है पीते हैं ये, और एक ये कुछ इनका फूड जो है ये बहुत सारी जगह बहुत छोटे छोटे स्टॉल्स में ही मिल जाता है। सर्कल के स्टोर यू कैन बाय थिंग्स मिलो, ये जापान में भी होते हैं। सो हम डेली आइटम्स 25,000 एक्सपेंसिव तो ये पानी की बॉटल्स हैं, प्रेफर करना हो सके तो ये बॉटल, क्योंकि 12,000 डोंग की है और ये 13 एंड देन 15। मैंने होटल से पूछा था तो उसने मुझे इतनी छोटी सी बॉटल बोला था 10,000 डोंग की। सो इट्स गुड, 12,000 डोंग में अगर ये मिलती है 1.5 लीटर वाटर इट्स इनफ। सो कोशिश करना सर्कल के जो है ये सुपर मार्केट ये मिल जाएगा अप्रॉक्स काफ़ी जगह। सो प्रेफर बाइक यहीं से लेने की कोशिश करना। थैंक यू। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस, मस्ट विजिट हेयर। इट्स अ ट्रेन स्ट्रीट इन द सेंटर ऑफ हनोई एंड वेरी ब्यूटीफुल, सो मेनी शॉप्स, सो मेनी कॉफी शॉप्स एंड यस स्टिल इट्स ड्रिजलिंग हेयर बट ऑसम, मस्ट विजिट दिस प्लेस, वेरी नाइस। सो दिस इज माई ट्रिप एंड दिस इज माई लास्ट लोकेशन to travel, so let's go and have a coffee। मैं हनोई की ट्रेन स्ट्रीट में आई हूँ, इस अ ट्रेन स्ट्रीट, और यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी है और जो बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। सो यहाँ का व्यू देखते देखते और हल्की सी बारिश हो रही है, तो प्लीज़ जब भी आएँ ये व्यू और कॉफ़ी कभी मिस ना करें। थैंक यू। वियतनाम हनोई का टूर फिनिश करके अब मैं जा रही हूँ टैक्सी करके नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है इंडिया की। सो ये था ट्रिप, जो अप्रॉक्स 6-7 आवर्स का ट्रिप था जिसमें मैंने हनोई ट्रैवल किया, थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट सारी चीज़ें शायद कवर कर ली, और अब कैब लेके एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट पकड़ने। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एज वेल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर लव। आई टुक माई लगेज, मैंने सारा लगेज अपना ले लिया है और मैं डिपार्चर सॉरी अराइवल गेट की तरफ जा रही हूँ, और एंड देन घर।